क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डरते हैं ऋषभ पंत से? अगर हम विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो बीते हुए टाइम में हमने बार बार देखा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी या कह लीजिए फैंस जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती थी उस वक्त स्लैंच किया करते थे, वो किया करते थे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को। हाल ही में जो है ये देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा पैटर्न बन चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का कि अब उन्हें जिसको छेड़ना होता है या जिसके माइंडसेट के साथ खेलना होता है उसकी तारीफ करते हैं ताकि जो भी प्लेयर है उसके ऊपर एक प्रेशर बने और वो प्रेशर में आके अंडर परफॉर्म कर जाए। अब अगला निशाना उन्होंने बनाया है ऋषभ पंत को, और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी हम जान लेते हैं। मिशेल मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उन्होंने ऋषभ पंत की तारीफ में कह दिया है कि काश ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियन होते। चलिए ये कहा, इसके अलावा बहुत सारी बातें कही उन्होंने। कहा है कि मार्श वॉज ऑल प्रेज फॉर पंत हूम ही कॉल्ड आर रिपिंग ब्लोक एंड डिस्क्राइब हिम एज अ समवन हु लव्स विनिंग। भाई जीतने की आदत तो जो है वो ऋषभ पंत के अंदर है, वो हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी देखा, एक्सीडेंट हुआ तब भी वो जीते, मौत से लड़कर आए, और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाला दौरा जो है वो हमें याद रहेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ऋषभ पंत जो है अपने पूरे करियर ग्राफ में बहुत ज्यादा उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे हेल्थ वाइज भी और बाकी चीजों की अगर हम बात करें, और उसके बावजूद एक कूल परसोना लेके चलते हैं जिसकी वजह से सामने वाला थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, एक बबली नेचर है, उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म करते हैं ऋषभ पंत। एक बार जो है हम नज़र डाल लेते हैं कि ऋषभ पंत के स्टैट्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कैसे दिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ये इंटरव्यू इंटरनेट पर पोस्ट हुआ था उस पर ऋषभ पंत ने रिएक्शन में कुछ इमोजीज लगाए हैं। बिल्कुल, तो 12 इनिंग्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है टेस्ट मैच में, 624 रन बनाए, 159 बैट बेस्ट है ऋषभ पंत का, 62 का एवरेज है, एक सेंचुरी है, तो आप देख पा रहे हैं कि पंत कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए सवाल ये खड़ा हो जाता है कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को क्या हुआ जो ये ऐसी बातें सामने आने लगी है, तो इसके पीछे का जवाब है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पीछे जाते हैं, बात करते हैं साल 2014 और 15 की, तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया एक बार भी ये ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। और अगर बात करी जाए इंडिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया में आकर कोई लास्ट टाइम सीरीज जीती थी वो साल था 2004 और 2005, तब से लेकर जो है वो अब तक ऑस्ट्रेलिया कभी भी इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो देखिए प्रेशर की अगर हम बात करें तो दोनों पे ही इक्वल प्रेशर है क्योंकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां के फेवर में चीजें होने लगेंगी। लेकिन अगर हम मिशेल मार्श की, माफ कीजिएगा, अगर हम ट्रेविस हेड की बात करें तो उनके भी व्यूज जो है ऋषभ पंत को लेके कुछ ऐसे ही है जो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़े वाली हमारे अंदर सोच डाल देते हैं। उनका कहना है द इंडियन क्रिकेटर आई बिलीव इज मोस्ट ऑस्ट्रेलियन वुड बी ऋषभ पंत, आई थिंक द वे ही गोज अबाउट हिज अग्रेसिव नेचर एंड हिज वर्क एथिक वुड मेक हिम वेरी एंजॉयबल टू प्ले विद। चलिए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अगर ऋषभ पंत की तारीफ करते हैं और ऋषभ पंत इसको पॉजिटिवली लेते हैं, तो फिर इस बार एक बार फिर से हमें जो है वो गाबा का घमंड टूटता हुआ मिलेगा और बाकी मैदानों में भी पंत का जलवा देखने को मिलेगा। जॉश हेजलवुड की बात करी जाए, फास्ट बॉलर हैं और इनका कहना है, इन्होंने तो स्ट्रेटजी बता दी, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा फोकस शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पर है। शुभमन गिल ने पिछला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दौरा किया था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी, यशस्वी जायसवाल अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले हैं, तो ये दो टारगेट जो है वो रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीन प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जिसपे ऑस्ट्रेलिया जो है एकदम घात लगा के बैठी होगी कि किसी भी तरीके से इनको जो है वापस बैक टू पवेलियन भेज दिया जाए। एक बार हम स्टैट्स की बात कर लेते हैं कि शुभमन गिल वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट क्रिकेट कैसे नजर आते हैं स्टैट्स। सबसे पहले इनिंग्स की बात करें तो शुभमन गिल ने 11 इनिंग्स खेली है, 444 रन्स बनाए हैं, बेस्ट रहता है 128 का एवरेज है, 44.40 और 2 अर्धशतक इसमें शामिल है। और यशस्वी जायसवाल की बात करी जाए तो उन्होंने सिर्फ 9 टेस्ट मैच के अंदर 1000 रन बनाए और ये किसी भी इंडिया के खिलाड़ी की तरफ से बनाए गए सबसे तेज 1000 रन है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि क्यों ये तीनों जो है वो फिलहाल टारगेट पर नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक टीम इंडिया की बात है, 2012 के बाद से टीम इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में कोई भी सीरीज अब तक नहीं आ रही है और बांग्लादेश के खिलाफ भी पहला टेस्ट मैच जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं विनिंग स्ट्रीक जो है वो फिलहाल नजर आ रही है टीम इंडिया की। वही शाकिब अल हसन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया की तारीफ करी है, कहा इंडिया आर अनबीटेबल एट होम, पाकिस्तान आ रहा है यंग साइड। तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से हार गई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि थूथू पाकिस्तान की हुई थी। हालांकि इंडिया की बात करी जाए तो शाकिब अल हसन अपने स्टेटमेंट में ये भी जिक्र करते हैं कि 4000 दिन हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं कि कितने साल हो चले हैं तब से जो है वो टीम इंडिया कोई भी सीरीज नहीं आ रही है इंडिया के अंदर। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को जो है ना वो एशिया के बाहर, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका यहाँ पर जाते हैं खेलने, तब भी हराना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर हमें इंडिया को सिर्फ
चैलेंज भी करना है तो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया जीतती है मैचेस, गेम हमेशा वन साइडेड होता हुआ ही नज़र आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया बना रही है वो किस हद तक सही है, और क्या इन तीनों प्लेयर्स के अलावा कोई ऐसा प्लेयर भी है जिस पर ऑस्ट्रेलिया नज़र गड़ा के बैठी है लेकिन सामने नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।